इसमें देखो सेवन बेसिक यूनिट्स होती है, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, हम लोग जानते हैं सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज और इसकी यूनिट हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट हमारा क्या है, मास, ठीक है, मास के लिए इसका यूनिट क्या होता है, केजी, फिर है केजी, और डायमेंशन, डायमेंशन भी यहाँ पे यूज करेंगे, तो डायमेंशन बढ़ाना है इसको। मेरा ये नहीं चल रहा है। हाँ म्यूट करो, हाँ बोलो, ये आवाज बंद करो। देखो हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारा आता है लेंथ, ये सब चीजें फिजिक्स में पढ़ा होगा लेंथ, तो इसको जो है कि लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर यहाँ पे लेंगे हम लोग, और इसको हम एल से दिखाएंगे डायमेंशन इसका। लेंथ के बाद हमारा आता है टाइम, टाइम का हमारा सेकेंड है, और इसको टी से इसका डायमेंशन दिखाते हैं। टाइम के बाद हमारा क्या आता है, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर को तो जो यहाँ पे जो यूनिट होती है वो तो कैल्विन होती है, यहाँ पे हम जो लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम थीटा से दिखाते हैं, इसकी यूनिट हम यहाँ पे सॉरी डायमेंशन थीटा से दिखाते हैं। इसके बाद हमारा आता है वन टू थ्री, हो गया टू थ्री फोर एंड फाइव। फाइव क्या हो जाएगा, लाइट इंटेंसिटी, सॉरी करेंट, करेंट तुम करेंट का क्या हो जाएगा, एम्पियर। खाली जगह में खाली समय पर डांस कर, अरे क्यों बंद कर दिया कि एम्पियर रैम में सब हटा दो तो दोस्त एम्पियर। दीक्षा वेट कर रही है मैडम। इसको ए से हम दिखाते हैं, इसको हम ए से दिखाते हैं, दीक्षा आ गई है, चलो इसको हम ए से दिखाते हैं, ठीक है। सिक्स हमारा आ जाता है लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है। इसको कैंडिला से दिखाते हैं, इसको सीडी, इसका डायमेंशन होता है। सेवेंथ हमारा हो गया, सेवेंथ हमारा हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनका डेफिनेशन नहीं है एग्जाम ओके, डिफिनेशन की जरूरत नहीं है। सब्सटेंस इसको हम मोल से दिखाते हैं, मोल, और एम ओ एल इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो ये हमारा डायमेंशन हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट, ये सब जानते हो फिजिक्स में, ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ यूजफुल कन्वर्जन भी जानना है, कन्वर्जन भी जान, इसको नोट कर लिया सबने, बुक में दिया भी होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, अब सभी लोग जानते होंगे कि वन एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है, 10 to power -10 meter, एंड वन माइक्रोन इक्वल टू 10 to power -6। ये सभी जानते होंगे, कोई ऐसा है जिसको ना पता हो? और वन पिकोमीटर, पिकोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 to power -12, ठीक है। लेकिन अब अगर तुम्हें ये पता, इतना ये मीटर में हो गया,
अब तुम्हें ये कन्वर्ट करना है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना जो है कि एंगस्ट्रॉम होगा, या 1 मीटर इक्वल टू कितना माइक्रोन होगा, और 1 मीटर इक्वल टू कितना पिकोमीटर होगा। जल्दी बताओ तो कौन बताएगा, फटाफट बता दो, जल्दी सर बताओ। वही पावर पॉजिटिव में हो जाएगा हाँ, वही पावर क्या हो सर, जाएगा वही पावर पॉजिटिव हो सर? वन जाएगा। टेन टू द पावर 10 आर्मस्ट्रॉन्ग, 1 मीटर। हाँ, तो यहां से अब इसके अपोजिट हो जाएगा, 10 टू पावर 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1 मीटर बराबर पावर माइनस से प्लस 10 टू पावर 6 एंगस्ट माइक्रोन हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये, ठीक है, और 10 टू पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे कन्वर्जन है जिसको जानना है, ठीक है, ये सबको पता ही है। चलो नेक्स्ट, और क्या जानना जरूरी है? 1 ATM बराबर कितना बार होता है सबको पता है? 1 ATM बराबर कितने बार होते हैं, और ये भी पता है सबको कि 1 लीटर इक्वल टू कितना डेसीमीटर होता है, BMQ, ठीक है, इक्वल टू कितना जो है कि कितना मीटर क्यूब होता है, ठीक है, जल्दी बताओ। सेवन हंड्रेड सिक्सटी टीओ और टॉर, ये प्रेशर का यूनिट होता है, इसके बराबर कितना जो है कि पास्कल होता है, सर 1 एटमॉस्फेयर होता है 7 मीटर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कितने बार के बराबर होता है, कितने बार के बराबर? 1.01 13 बार बार के बराबर होता है, देखो। और ये 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ये 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है, सब यूनिट नोट कर लो, ठीक है, कहीं चेंज करने के लिए आया तो फिर मत बोलना। और पास्कल में यही चीज, पास्कल में हो जाएगा, पॉइंट नहीं लगाएंगे, 101325 पास्कल हो जाएगा PA, ठीक है, बस पॉइंट नहीं है यहाँ पे। और ये इसके बराबर हो जाएगा न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा कुछ और यूनिट बता देते हैं। 1 bar इक्वल टू कितना होता है, अगर क्वेश्चन आया 1 bar, 1 bar बराबर कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा और कितना पास्कल होगा, कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा और कितना पास्कल होगा, ठीक है। पास्कल तो 10 टू द पावर 5 होता टेन टू पावर 5 होता है, तो 10 टू पावर 5 ये भी होता है, ठीक है। यहां पे देखो लिखा है ना, यहां से देख लो, समझे, दोनों बराबर है ना। चलो यस सर। अब यहां से तुम्हें एक चीज और बताते हैं, 1 ATM इक्वल टू कितना MMHg होता है, ये प्रेशर को बता रहा है, प्रेशर, ये सब प्रेशर है, प्रेशर, और कितना यहां पे टॉर होगा, ठीक है, एकदम सिंपल है, नहीं पता है तो नोट कर लो, ये 760 होता है और ये भी 760 ही होता है, ठीक है, ये सब नोट कर लो। नोट कर लिया, चलो कुछ और यूनिट बताते हैं। अब ये बताना है कि
इरेज करते हैं इसको, वन कैलोरी बराबर कितना होता है कैलोरी? 4.18 जूल। कितना 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 फिर से बोलना जरा, 4.18 जूल। जूल, गुड, वेरी बहुत अच्छे। इतना जूल होता है, कहीं कहीं पे 4.2 जूल की शॉर्टकट में लिखा रहता है, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर भी सबको पता होगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, ठीक है। चलो, ये सब चीजें पता है सबको। अब देखो मोल क्या होता है, हम लोग मोल पे आ जाते हैं। अगर ऐसे फार्मूला देखा जाए तो क्या हो जाएगा, मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है, मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अब इसमें इसमें जैसे कि सपोज करो कि क्वेश्चन दिया, मान लो एक क्वेश्चन यहां पे बनाते हैं, व्हाट विल बी नंबर ऑफ मोल्स। इसी देखो, ये मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स भी है, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकता है। आई बात समझे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 5 1 मिनट, हाँ, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इन इतने ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है। अब यहां पे तुम्हें पता करना है कि कितना, इतने ग्राम में कितना NaCl के मोल्स है, ठीक है, तुम्हें पता करना है कि इतने ग्राम में कितने मोल्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मोलर मास हमें निकालना बता दिए, एक बार फिर से जान जाओ जो नहीं जानता है, मोलर मास अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा Na का हो गया 23, पहले मास ऑफ मोलर मास ऑफ Na, जिसको नहीं पता है वो जान ले, मोलर मास ऑफ Na प्लस मोलर मास ऑफ Cl, ठीक है। तो ये हमारा मोलर मास ऑफ NaCl हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 23। सर आंसर आएगा 0.1 मोल। हाँ बेटा, हम समझ गए तुम्हें, आशुतोष कुमार बोल रहे हो ना, 58.5। यस सर, 58.5 इतना मोलर ग्राम पर मोल इसका यूनिट हो गया। अब यहां से नंबर ऑफ मोल्स, देखो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि भूल जाता है किसी किसी को, तो ये 5.85 ग्राम है ये, और इसका मोलर मास आया 58.5, ठीक है। एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे तो ये डेसिमल बराबर हो जाएगा, और ये डेसिमल डेसिमल उड़ जाएगा, ये हो जाएगा कट जाएगा वन टाइम में, ये 1/10 हो गया या 0.1 मोल आ गया, ठीक है। तो मोल, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने आ गए।
ठीक है। चलो अब इसमें इसमें देखो, एक तो ये हमें फार्मूला दिमाग में रखना है। मोल कॉन्सेप्ट कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे लोग डर जाते हैं। कुछ इसके पॉइंट्स हैं जिसको दिमाग में हमेशा रखना है और उसको यूज करना है, ठीक है। अगर यूज करने नहीं आ रहा है तभी ये मोल कॉन्सेप्ट लगेगा कि ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में आ नहीं रहा है। कोई बड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं। ये ऐसे सवाल समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि क्या हमें याद रखना है। देखो, एक मोल किसी भी सब्सटेंस का जो होता है, एक मोल किसी भी सब्सटेंस का जो होता है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं, और ये इक्वल टू हो जाएगा 6.022×10²23 मॉलिक्यूल्स। अब देखो यहां पे हमने मॉलिक्यूल्स लिख दिए, ठीक है। अब ये तो हमारा सब्सटेंस हो गया। अगर इसकी जगह पे एलिमेंट लिखा होता तो क्या होता है? अगर लिखा होता वन मोल्स ऑफ अ एलिमेंट, ठीक है, तो अगर एलिमेंट की बात करता है तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूल की जगह पे क्या करते हैं? एटम लिख देते हैं, नंबर ऑफ एटम, और नंबर ऑफ एटम सेम वही रहेगा, 23 एटम्स, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसा सेंटेंस वैसा ही जो है कि नंबर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि अब मोल, एक चीज और याद रखो, मोलर मास, मास ऑफ अ सब्सटेंस इक्वल टू 6.022×10²23 मॉलिक्यूल्स। एक चीज तुम्हें ये याद रखना है, कोई भी सब्सटेंस का जो भी मोलर मास दिया होगा उसके अंदर इतने ही मॉलिक्यूल होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो ये लाइन भूलना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो, जैसे CO2 गैस हो, O2 गैस हो, H2 गैस हो, ठीक है, O2 गैस हो, कोई भी हो, उसके मोलर मास में इतने ही एटम मॉलिक्यूल होंगे सब्सटेंस के। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट लिखने जा रहे हैं, इसको नोट कर लो। यही सब है जो कि दिमाग को उलझा देते हैं, लेकिन हमें अगर दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रहेगा तो हम न्यूमेरिकल लगा देंगे, ठीक है। अगर जैसे रहा एट एस टी पी का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना है? 273 और 180 m, ठीक है। तो वन मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू क्या हुआ? 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम लेंगे, गैस है तो वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। और ये इक्वल टू कितना होगा? 6.022×10²23 मॉलिक्यूल।
ये रिलेशन याद रखना है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल लगाने के। अभी हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे तब समझ आ जाएगा, ठीक है। सर हाँ बेटा बोलो, जल्दी बोलो। सर आइसोटोप के भी सेम एवोकाडो नंबर होंगे, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? हाँ देखो, आइसोटोप्स के जहां मोलर मास जो होता है ना वो एवरेज मोलर मास होता है, तो एवरेज इस होता है कि बहुत बहुतों के आइसोटोप्स होते हैं, तो इसलिए उसमें भी उतना ही रहेगा, ठीक है। अच्छा सर, हाँ तो उसमें वेरी नहीं करेगा वो? नहीं नहीं क्योंकि हम जो मोलर मास निकालते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, एवरेज होता है। एवरेज क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो सारे के मास को जोड़ने के बाद उसका एवरेज निकालते हैं, ठीक है। अब देखो 1 AMU बराबर, अगर मान लो पूछ दे कोई बताएगा 1 AMU बराबर क्या होता है? 1 AMU, ए पर एटॉमिक मास यूनिट, और इसको यू से दिखाते हैं, मगर ये किसके बराबर होता है 1 AMU किसके बराबर होता है, कौन बताएगा? यस यस बहुत सही बता रहे थे, कौन बता रहे थे? 1.66 सर इनटू 10 to the power -25। गुड, 24। इसके अलावा देखो इसमें क्या होता है, एक चीज और याद रखो, तो याद नहीं करना पड़ेगा, एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो किसी का भी रहेगा तो पता चल जाएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट हम आते हैं, ये सब देखो कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में बांध करके रखना है, न्यूमेरिकल में यूज करने सीखना है, इसको इरेज करते हैं। हमारा आज से रिवीजन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे मोलैरिटी, मोलैरिटी सबको पता है मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर, किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ओके कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हमारा कंसंट्रेशन का आता है नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी से थोड़ा डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, ये हो गया। इसको देखो हम कैपिटल एम से दिखाते हैं, तो इसको हम कैपिटल एम से दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ये होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट, ठीक है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट।
अब क्वेश्चन होगा कि लो एक नई बात बता दी, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट, अब देखो क्या सब्सटेंस हमारे पास है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमें साल्ट मिला है, हमें न्यूट्रल कंपाउंड मिला है, या हमें ऑक्सीडेशन करता हुआ कंपाउंड मिला है, ठीक है, किस तरह का है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इक्विवेलेंट वेट अगर हमें निकालना है तो सिंपल सी बात है, यहां पे हो जाएगा मोलर मास, मोलर मास। अब देखो अगर साल्ट होगा तो यहां पे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। अगर साल्ट नहीं है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर कोई एसिड दिया हुआ है, एसिड अगर कोई दिया हुआ है तो उसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बेसिसिटी। अभी सबका एग्जांपल हम दे रहे हैं बेसिसिटी, ठीक है। और अगर कोई बेस है, ठीक है, अब तो जगह नहीं बचा, अगर कोई बेस होगा तो नंबर ऑफ एसिडिटी से डिवाइड करेंगे। इसको रिलेज करते हैं तो आप बगल में लिख लेना नंबर ऑफ एसिडिटी, नंबर ऑफ एसिडिटी। अब देखो कैसे होता है, हम सबका एक एक करके लेते हैं। साल्ट का लेंगे पहले, फिर उसके बाद जो है कि अब जैसे सपोज करो कि हमें इक्विवेलेंट वेट, वेट ऑफ CaCl2 निकालना है, इसका अगर मोलर मास निकालोगे ये हो जाएगा 40 और इसका 35.5 इज इक्वल टू हो जाएगा 71 इंटू 2 करोगे तो ये हो गया 111, ठीक है। अब यहां पे देखो कैल्शियम और क्लोरीन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जैसे Ca2+ बनाएगा और 2Cl-, तो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो यहां से हम 2 से डिवाइड कर दिए तो ये कितना हो गया 55.5, ठीक है, ये हमारा साल्ट का आ गया। अब अगर चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, सपोज MnO4- माइनस है, एसिडिक मीडियम में गया, यहाँ पे Mn+2 बना दिया एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +7 और यहाँ पे +2 है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया 5। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे यहाँ से हमें कितना आया 5। तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे KmnO4, KmnO4 का जो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KmnO4 इन एसिड, सर ये +7, +7 कैसे आया देखो, अगर यहां से चार्ज हटा दो तो 1 इसका हो गया, 8 इसका हो गया, 8 माइनस होगा और ये प्लस है तो घट के कितना आएगा 7, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने तो आता ही है। तो 158 अपॉन कितना हो जाएगा KmnO4 का जो मास होता है, मोलर मास होता है 158 होता है, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे और 5 से डिवाइड करेंगे सर ब्लड 31.6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करके देख लिया, ठीक है, ऊपर इरेज करते हैं। अब अगर यही बेसिक रिएक्शन बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता, मान लो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता, तो यहां से MnO4 माइनस चेंज हो रहा है, मान लो MnO2 में बेसिक मीडियम में है ये, ठीक है, तो यहां पे आएगा +7 और यहां पे आएगा +4, चेंज कितने का हुआ 3 का। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KmnO4 कितना आएगा 158 अपॉन 3,
फिर कितना हो जाएगा 52.66। ठीक है, तो ये हमने देख लिया ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है तो क्या होता है, कैसे निकालेंगे। बस दो फटाफट और देखते हैं, इसको नोट कर लिया होगा, एसिड और बेस का देख लेते हैं फटाफट। अगर हम सपोज करो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, H2SO4, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट शॉर्टकट में लिख देंगे, इसका मोलर मास निकालेंगे तो 98 आएगा। ठीक है, इसका निकालेंगे तो 98 आएगा। भाई ये 32 है और ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 98 हो गया। अब यहाँ इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2। जितना हाइड्रोजन देगा वो उसकी बेसिसिटी होगी, 2 से डिवाइड किए 49 आ गया। अब अगर किसी बेस का निकालना है जैसे OH2, ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना होगा तो इसका यहां से निकालोगे तो ये हो गया 40 और ये 70, 70 34 हो जाएगा, 17 34 और ये 44 और ये 74 अपान, देखो इसकी बेसिसिटी कितना OH देगा उसकी बेसिसिटी होगी, 2 से डिवाइड कर दो तो ये 3 और 7 हो गया। ठीक है, ये हो गया किस तरह से इक्विवेलेंट वेट निकालने आ गया। ठीक है, अभी इसमें और भी हम लोग देखेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, आज